मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक रेवोल्यूशनरी गेम होता क्या है। सबकी डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं, कोई कहेगा कि भाई गेम ने इतनी सेल्स करी हो या इतनी कॉपीज बेची हो, बट मेरी नजर में एक रेवोल्यूशनरी गेम वो है जो इतना पॉपुलर हो जाए कि कंपनीज उसके क्लोज बनाने लगे। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग GTA, PUBG एंड वी फॉल गाइस को भी रेवोल्यूशनरी माना जा सकता है। पर 2024 की बात करूं तो इस साल का रेवोल्यूशनरी गेम तो पैलवर्ल्ड है, जो इतना पॉपुलर हो गया है कि Tencent जैसी कंपनीज भी इसके क्लोन्स बना रही है। आजकल यूट्यूब पे हर जगह है, बट जो नहीं है वो है इसकी बेहद मुश्किल जर्नी। को पता है कि गेम के रिलीज से पहले इसको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा था, एंड कंपनी के तो सीईओ ने खुद कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि गेम कंप्लीट भी हो पाएगा। तो इसलिए आज की वीडियो में हम लोग पैलवर्ल्ड की कंट्रोवर्शियल राइस के बारे में जानने वाले हैं। पैलवर्ल्ड को शिनेगावा टोक्यो में बेच पॉकेट बेयर नाम की कंपनी ने डेवलप एंड पब्लिश करा है। इस कंपनी के सीईओ ताकुरो मिजोबी को बचपन से ही गेम बनाने का बहुत शौक था। वो टोक्यो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं एंड 11 साल की उम्र से गेम्स बनाते आ रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस एंड पैशन के चलते उन्हें बड़े गेम्स टाइटल में भी वर्क करने का मौका मिला, और स्कूल से निकलने के 3 साल बाद 2015 में ताकुरो ने पॉकेट बेयर की एस्टैब्लिशमेंट की। पॉकेट बेयर ने पैलवर्ल्ड से पहले ओवर डंजन एंड क्राफ्टोपिया जैसे कुछ और गेम्स भी बनाए हैं, एंड क्राफ्टोपिया के बाद पैलवर्ल्ड उनका दूसरा अर्ली एक्सेस ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल प्रोजेक्ट है। अब जिन लोगों को पैलवर्ल्ड के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि इस गेम को द लेजेंड ऑफ जेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड एंड पोकेमॉन फ्रेंचाइज के पॉपुलराइज फीचर कलेक्टिंग मैकेनिक्स के कंबाइन करके बनाया गया था। बाकी ये तो सिर्फ प्लेयर्स का ही मानना है कि ये गेम पोकेमॉन का कंसेप्ट यूज करके बनाया गया है, बिकॉज पॉकेट बेयर के सीईओ के अकॉर्डिंग पैलवर्ल्ड का कंसेप्ट पोकेमॉन से नहीं बल्कि आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड से लिया गया है। रही बात गेम के सर्वाइवल मैकेनिक्स और इन गेम टास्क की, तो रस्ट नाम के सर्वाइवल गेम से इंस्पायर्ड है। वेल तो उसकी डेवलपमेंट जोरों शोरों से चल रही होती है, एंड फिर June 5, 2021 को पैलवर्ल्ड को फर्स्ट टाइम अनाउंस किया जाता है, जहां पे हमें पैलवर्ल्ड का पहला ट्रेलर भी दिखाया गया। इसमें गन्स का कंसेप्ट डालकर डेवलपर्स ने पोकेमॉन जैसे चाइल्डहुड फेवरेट्स को एक अलग ही ट्विस्ट दे दिया, क्योंकि उस टाइम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि गेम में करना क्या है, कैसा गेम है ये, तो उन्होंने ट्रेलर को देखते ही इस गेम को पोकेमॉन विद गन्स का टाइटल दे दिया। इवन समर गेम फेस्ट में जियोफ केली ने खुद इसे पोकेमॉन विद गन्स बोला था। इन अदर वर्ड्स kind of like Pokemon with guns. एंड इसी टैग की वजह से गेम को काफी क्रिटिसिज्म मिला एंड कई तरह की कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा। कुछ गेमर्स को इस टाइप के पोकेमॉन जैसे गेम्स में यूनिक कंसेप्ट देखकर काफी एक्साइटमेंट भी थी, तो वही दूसरी साइड कुछ लोगों को पैलवर्ल्ड के गन वायलेंस एंड एनिमल क्रुएल्टी को लेकर गुस्सा था। पैलवर्ल्ड के पोकेमॉन से क्लियर सिमिलैरिटीज की वजह से कुछ गेमर्स को ये गेम एक जोक या फिर इमैच्योर अटेम्प्ट लग रहा था। इन्हीं सब रीजंस की वजह से इस गेम को एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। गेमर्स ने 2021 में आए इसके अनाउंसमेंट ट्रेलर में ही पैलवर्ल्ड के पैल्स और पोकेमॉन कैरेक्टर्स के डिजाइन में सिमिलैरिटीज नोटिस की थी। दोनों सेट्स के फीचर्स के कुछ यूनिक पावर्स थी और उन्हें ह्यूमन प्लेयर्स एक स्पेशल बॉल से कैप्चर करते हैं जिसका नाम पैल्स फियर्स एंड पोकेबॉल्स है। यहाँ तक कि कुछ पोकेमॉन फैंस तो ये तक कहते हैं कि पैलवर्ल्ड के पैल डिजाइन्स ओरिजिनल पोकेमॉन कैरेक्टर से इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि उन्हें इंस्पिरेशन लेकर नहीं बल्कि कॉपी करके बनाया गया है। एंड इन सब एलिगेशंस की वजह से पैलवर्ल्ड को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। एक इंटरव्यू में हमारे सीईओ साहब ने कहा कि पॉकेट बेयर अपने गेम्स को बहुत सीरियसली बनाता है और उसका कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी और कंपनी की आईपी को यूज करने का। उन्होंने ये भी कहा कि गेम ने सारे लीगल रिव्यूज पास किए हैं। बाकी इस पोकेमॉन वाली कंट्रोवर्सी के अलावा पैलवर्ल्ड के क्रिएटर पॉकेट बेयर पर ये एक्विजिशंस लगाए गए कि उन्होंने गेम को डेवलप करने के लिए जनरेटिव AI का यूज किया है। खैर वीडियो गेम्स में AI यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, AI NPCs तो बहुत सालों से होते हैं गेम्स में, बट जो नया जनरेटिव AI आया है उसको लेकर काफी डिबेट चल रही है, जैसे कि ChatGPT हो गया, Midjourney हो गया, फिर सोरा हो गया, बिकॉज माना जा रहा है कि ये क्रिएटिव लोग एंड आर्टिस्ट की जॉब खा जाएगा, जिसकी वजह से पैलवर्ल्ड को भी काफी क्रिटिसिज्म मिला। डेवलपर्स ने बताया कि इसकी वजह से उन्हें डेथ थ्रेट्स तक मिलने लगे। मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ भाई कि आजकल डेथ थ्रेट्स देना कितना आसान हो गया है, मतलब वही इंटरनेट का जमाना है ना, कुछ भी लिख दो घर थोड़ी आ जाएंगे पकड़ने। अगर हम इसकी डेवलपमेंट स्टोरी पर थोड़ी नजर मारे तो डेवलपर्स ने इस गेम में क्राफ्टोपिया से ज्यादा ओरिजिनल एसेट्स का यूज किया है, जो टीम के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, और क्योंकि डेवलपर्स का गोल एक बेस्ट ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम बनाने का था, तो इसलिए अर्ली स्टेजेस में ही पैलवर्ल्ड को यूनिटी से अनरियल इंजन 4 पे शिफ्ट किया गया, क्योंकि अनरियल इंजन 4 हैवी ओपन वर्ल्ड गेम्स के लिए ज्यादा सुटेबल रहता है। इस प्रोजेक्ट के लिए बजट 1 बिलियन येन से भी ज्यादा था, यानी अराउंड $6.5 मिलियन या फिर ₹55 करोड़, और इस दौरान कंपनी ने 40 से ज्यादा एम्प्लॉयज को भी हायर किया, जिसमें गेम के करेक्टर एनिमेटर को बिना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की हायर कर लिया गया था। गेम के डायरेक्टर को तो नेटीज में जॉब मिल गई थी, बट स्टिल उन्होंने ट्विटर रिक्रूटमेंट्स के थ्रू पॉकेट बेयर ज्वाइन करी। इसके अलावा पैल्स के मेन करेक्टर डिजाइनर को इनिशियली अक्टूबर 2020 में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने फरवरी 2021 में फिर से अप्लाई किया तो वो हायर करी गई। कुछ इसी तरह से पैलवर्ल्ड की डेवलपमेंट में कई चैलेंजेस आए थे। इसके सीईओ ने तो यहां तक कह दिया कि ये कोई चमत्कार है कि गेम कंप्लीट हो गया, वो तो पूरी टीम ने इन सभी चैलेंजेस का डटकर सामना किया एंड गेम को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तब ये हमारे सामने मौजूद है।
अब तक गेम की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए बारी थी इसे रिलीज करने की। लंबे इंतजार के बाद 19 जनवरी 2024 को ये गेम अर्ली एक्सेस में रिलीज होता है। एंड भाई रिलीज होते ही ये इंटरनेट और सोशल मीडिया में एकदम धूम मचा देता है। पैल वर्ल्ड ने अपने रिलीज के फर्स्ट 6 डेज में 80 लाख यूनिट्स बेच दी एंड इस टीम पर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख कॉन्करेंट प्लेयर्स के साथ पूरे प्लेटफॉर्म पर सेकंड हाईएस्ट प्लेड गेम बन गया था। गेम पास पर गेम फ्री था, इससे इसकी हाइप में सुनामी देखने को मिली। सिर्फ 22 फरवरी तक ही गेम ने 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ प्लेयर्स पार कर लिए। इतने तो कोई ट्रिपल ए गेम्स नहीं कर पाते। इतनी हाइप मिलने के बाद इस गेम के डेवलपर्स पॉकेट प्लेयर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके इतने सालों की मेहनत, कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना करना सब इन द एंड वर्थ इट रहा, क्योंकि उनकी सारी एक्सपेक्टेशन को पार करके गेम ने उन्हें रातों रात मालामाल कर दिया था। इस गेम से डेवलपर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए और एक सक्सेसफुल गेम बनाने का सपना भी उनका सच हो गया। सवाल आता है कि जहां बड़े ट्रिपल ए गेम्स 5-10 मिलियन कॉपीज नहीं सेल कर पा रहे एंड जिन कंपनीज पे इतना पैसा है वो इस लेवल की सक्सेस अचीव नहीं कर पा रही, तो इसने कैसे कर लिया? सो देखो, यही फर्क है इंडी एंड ट्रिपल ए गेम्स में। मैंने अपनी ट्रिपल ए गेमिंग वाली वीडियो में भी ये चीज कही थी कि बड़ी कंपनीज रिस्क लेना पसंद नहीं करती। वो एक सेट फॉर्मूला पे बेस्ड गेम्स बनाती है जिससे उनको नुकसान भी ना हो एंड वो खूब सारा पैसा भी कमा ले, जिसकी वजह से हमें मीडियोकर गेम्स देखने को मिलते हैं। कंपनी का फोकस पैसे पे है ना कि गेम पे। बट देन कोई इंडी गेम आता है जिनके डेवलपर्स इतने बड़े नहीं है एंड उन्हें खत्म होने डर भी नहीं है एंड इसलिए वो रिस्क लेकर कुछ अलग ही बना देते हैं जो लोगों की उम्मीद के परे होता है। पिछले कुछ टाइम से देखो आप तो पोकेमॉन अच्छे गेम्स नहीं बना रहा था, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है क्योंकि इसकी शुरुआत ही एज अ गेम हुई थी। बट स्टिल डेवलपर्स कंप्लेसेंट हो गए थे एंड मीडियोकर गेम्स मार्केट में उतार रहे थे। जो लोग पोकेमॉन के फैंस हैं, बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, वो बोर भी हो चुके थे। इसी वजह से पैलवर्ड मानो दिल्ली नाम के गैस चेंबर में ऑक्सीजन सिलेंडर बन के आया, जिसने घुट रहे गेमर्स को फ्रेश एयर दी, कुछ ऐसा जो वो हमेशा से चाहते थे बट उन्हें पता नहीं था। पैल वर्ल्ड की सक्सेस को दूसरी गेम डेवलपमेंट कंपनीज तो फॉलो कर ही रही थी, साथ में पोकेमॉन की ओनर द पोकेमॉन कंपनी भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। 24 जनवरी को द पोकेमॉन कंपनी ने इंटरेक्टिव गेम को साइड करते हुए एक स्टेटमेंट दी कि उन्हें गेम के बारे में पता चला है जो कि जनवरी 2024 में रिलीज हुआ था एंड उन्होंने उस गेम के लिए अपनी आईपी को यूज करने की कोई परमिशन नहीं दी है, इसलिए वो इस चीज को लेकर पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड जो भी पोकेमॉन से रिलेटेड आईपी राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। अब वैसे तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बट शायद वो पैल वर्ल्ड को लेकर ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज पैल वर्ल्ड की इतनी बढ़ गई है कि अगर वो अब इस पर एक्शन लेते हैं देन पोकेमॉन कंपनी को काफी ज्यादा बैकलैश देखने को मिलेगा। सेकंड रीजन ये भी है कि भाई अमेरिका के आईपी लॉस काफी कॉम्प्लेक्स हैं जो कहीं ना कहीं गेम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड एट लास्ट पैल वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द गेम मैकेनिक्स पोकेमॉन की 30 साल की पूरी हिस्ट्री में आज तक देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से ये एक यूनिक गेम बन जाता है। इवन जो पैल्स पोकेमॉन जैसे लग रहे हैं वो भी इंस्पिरेशन की कैटेगरी में काउंट होंगे और ना कि कॉपी में। और बात करें इसके करंट स्टेट की तो अभी तक इस गेम की शायद 20 मिलियन यूनिट सेल हो चुकी है और इसी के साथ ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पीसी गेम्स में से एक बन गया है। एनालिस्ट का मानना है कि ये सेल्स 30 मिलियन तक जा सकती है। बट हाँ, पैल वर्ल्ड ने स्टीम पर अपने पीक प्लेयर काउंट का 97% खो भी दिया है। इनफैक्ट मार्च के बिगनिंग में प्लेयर काउंट अराउंड 2.7 लाख के आसपास था एंड तब से रोजाना हजारों प्लेयर्स खो रहे हैं। अभी लास्ट 24 आवर्स में इसके सिर्फ 92,000 कॉन्करेंट प्लेयर्स थे। ये नंबर थोड़े से शॉकिंग जरूर लगते हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि गेम का डाउनफॉल शुरू हो गया, बिकॉज एक्सपर्ट्स की माने तो इस गेम ने इंडस्ट्री बचाया है। जहां लोगों का विश्वास उड़ गया था, वो ट्रिपल ए गेम से बहुत नाराज हो गए थे एंड गेमिंग को ऑल्टर वगैरह छोड़ रहे थे, वहीं ये गेम उनको वापस लाया है। एंड अभी तो बस बिगिनिंग है, बिकॉज गेम तो सिर्फ अर्ली एक्सेस में ही इतना पॉपुलर हो गया है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि डेवलपर ने फ्यूचर अपडेट्स का फुल रोड मैप पहले ही रिलीज कर दिया था, जिसमें पीवीपी, रेड बॉसेस, पैल अरीना, स्टीम और एक्सबॉक्स प्लेयर्स के बीच क्रॉस प्ले, नए पैल्स और न जाने कितने सारे फीचर्स अभी आने हैं। पैल अरीना का ट्रेलर तो आ भी चुका है एंड मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे जैसे गेम में और अपडेट्स आएंगे हमें पैल वर्ल्ड में वापस से बूम देखने को मिलेगा। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पैल वर्ल्ड बिल्कुल पबजी की तरह होगा, जैसे पबजी ने बैटल रॉयल को पॉपुलराइज किया वैसे ये भी अपने जॉनर में एक किंग बन के आएगा। एंड इसलिए पैल वर्ल्ड को बच के भी रहना होगा क्योंकि क्लोन्स बहुत बनने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेंसेंट पैल वर्ल्ड के मल्टीपल क्लोन्स बना रहा है एंड दूसरी कंपनीज भी लग गई होंगी काम पर सिमिलर कॉन्सेप्ट के गेम्स बनाने में। मेरे अकॉर्डिंग तो पॉकेट पेयर को इसका मोबाइल पोर्ट जल्दी से रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर देर करी तो और कोई क्लोन गेम आकर पॉपुलैरिटी ले जाएगा, जस्ट लाइक पबजी एंड फ्री फायर के केस में हुआ था। खैर देखते हैं कि गेम का फ्यूचर कैसा रहता है, मेरे को आप बताओ कमेंट्स में कि पैल वर्ल्ड खेलते हो या फिर नहीं। मैंने रिसेंटली साइबरपंक के कमबैक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसको लेफ्ट में देखना एंड इंडिया में बन रहा है इंडस बैटल रॉयल का रिव्यू देखने के लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।